चुप गए सारे न जाने क्या बात हो गई। तूने काजल लगाए दिन में रात हो गई। कैसे हो आप लोग, आई जस्ट होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज के वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ दिवाली स्पेशल साड़ी जो कि मैंने मंगवाया है मिंत्रा से। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मिंत्रा पे भी चल रही है सेल, तो आपको ये साड़ी इजिली 50-80% के ऑफ में मिल जाएंगे। और जो साड़ी मैंने मंगवाया है वो है बनारसी सिल्क साड़ी। विदाउट टॉकिंग टू मच लेट्स स्टार्ट ऑन द वीडियो। साड़ी जो कि इस तरह से पैकेजिंग में मुझे रिसीव हुई है, इसको ओपन करते हैं और आपसे इसका रिव्यू शेयर करते हैं। तो दिस इज द फर्स्ट लुक ऑफ साड़ी। बहुत ही प्रीटी कलर है, ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन ऑफ मस्टर्ड ऑरेंज और ब्लू। तो इसको ओपन करते हैं और साड़ी का फुल लुक आपसे शेयर करते हैं। टाइप है इसका बनारसी, इसका जरी बॉर्डर में है और ये ब्लैंड सिल्क साड़ी है। इस तरह से टैग भी इसमें लगा हुआ है और ये बनारसी सिल्क साड़ी है। बहुत ही सॉफ्ट है, मतलब सिल्क साड़ी जैसे कड़क टाइप की होती है वो उस टाइप की नहीं, बहुत ही सॉफ्ट सिल्क साड़ी है। आप देख सकते हो इस तरह से साड़ी के बॉडी पार्ट भी ब्लॉक के लीफ पैटर्न में बना हुआ है जो कि बहुत ब्यूटीफुल है। इसके बीच बीच में इस तरह से ब्लू कलर का लीफ बना हुआ है, स्मॉल लीफ, तो बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है देखने में। और इसका जो बॉर्डर है जड़ी फैब्रिक वर्क किया गया है जो कि काफी ब्यूटीफुल लगता है। और इस तरह की जड़ी वर्क के कारण साड़ी काफी कॉस्टली दिखती है और बहुत ही ब्यूटीफुल सा लुक आता है। सिर्फ बात करते हैं इसके पल्लू पार्ट की, तो इसका जो पल्लू पार्ट है वो कुछ इस तरह से आप देख सकते हैं। इसमें भी सेम बॉर्डर का पैटर्न है और इसमें भी फैब्रिक जड़ी वर्क किया गया है जो कि काफी खूबसूरत और रॉयल लुक दे रहा है इस साड़ी को। और यहाँ पे देख सकते हो पूरे बॉर्डर में इस तरह से टेशर लगे हुए हैं, उसके आगे वाले पार्ट्स में टेशर लगे हुए हैं जो कि काफी अच्छा लग रहा है। और ये साड़ी इतना बजट फ्रेंडली होने के बाद भी काफी रॉयल लुक दे रहा है ये साड़ी। और तो ब्लाउज पीस इसका इस तरह से है, ये भी ब्लू कलर में है। आप देख सकते हो इसका जो है इस तरह से कुछ प्रिंट बना हुआ है जो कि काफी अच्छा लग रहा है। इसमें भी एक बॉर्डर दिया गया है, आप इस बॉर्डर को ब्लाउज में यूज कर सकते हो, स्लिप्स पे चाहो तो स्लिप्स पे यूज कर सकते हो या फिर नेक पे, या फिर आप किसी तरह का डिजाइन बनवा सकते हो। इसका ब्लाउज भी काफी खूबसूरत है, कलर इसका ब्लू है जो कि इसके बॉर्डर से मैच हो रहा है। पल्लू और बॉर्डर से मैचिंग का ब्लाउज दिया गया है इसमें। ब्लाउज की फैब्रिक भी बहुत अच्छी है, जो साड़ी में यूज किया गया है सेम फैब्रिक ब्लाउज में भी यूज किया गया है। और इसमें बहुत अच्छा सा प्रिंट दिया गया है, प्लेन ब्लाउज नहीं है, तो बहुत अच्छी चीज है कि प्लेन ब्लाउज से अच्छा ये प्रिंटेड है, तो थोड़ा लुक जो है ज्यादा अच्छा आने वाला है इस साड़ी के साथ। अब इस साड़ी को मैं एक बार फुल ओपन करके और इसका फुल लुक दिखाती हूँ। तो स्टार्टिंग में आपको इस तरह से प्लेन थोड़ा ही आपको इस तरह से मिल जाती है और उसके बाद यहाँ से है ब्लाउज पीस जिसे आप कट करने के बाद ये यहाँ से प्लेन थोड़ा ही आपको मिलेगी, जो कि ये प्लेन वाली जो साड़ी है वो आपको स्टार्टिंग में रैप ऑन में चला जाएगा, तो ये आपको थोड़ी भी दिखने वाली नहीं है क्योंकि जब हम स्टार्टिंग में साड़ी को रैप ऑन करते हैं तो वो थोड़ी सी प्लेन रैप ऑन में चला जाता है। और जिस तरह की बनारसी सिल्क साड़ी होती है थोड़ी सी हैवी होती है, तो इसलिए इसका जो स्टार्टिंग पार्ट होता है इसको इस तरह से प्लेन साड़ी दिया जाता है। उसके बाद फिर आपको इस तरह से पूरे साड़ी में इस तरह से मिल जाएंगे। और तो इस साड़ी में दोनों साइड बॉर्डर यूज किया गया है, आप देख सकते हो ये एक चौली वाली बॉर्डर दी गई है जो कि आप साड़ी के नीचे वाले पार्ट्स के लिए यूज कर सकते हो। और यहाँ पे इस तरह की बॉर्डर दी गई जो टकिंग पार्ट में चली जाती है, ट्रे ऑन में आपको पता चल जाएगा। ऑल ओवर साड़ी का लुक काफी अच्छा है, पैटर्न डिजाइन साड़ी बहुत ही ब्यूटीफुल है, काफी एक्सपेंसिव साड़ी दिख रही है, अकॉर्डिंग टू प्राइस बहुत ही अच्छा है। और इसका मैं अभी ट्राई ऑन दिखाऊंगी तो आपको ये समझ में आ जाएगा। आपने इस साड़ी का रिव्यू देख लिया तो अब इसका हम ट्राई ऑन हॉल देख लेते हैं और उसके बाद आपको समझ में आ जाएगी कि ये साड़ी पहनने के बाद किस तरह से लगती है और इसका जो बॉर्डर पार्ट है जो दो दो बॉर्डर उसको हम किस तरह से कैरी करते हैं।